देखिए मम्मी बना रही हैं अचार। किस चीज का? कितनी मूली है मम्मी? ये आधा किलो मूली हैं और आधा किलो गाजर हैं। तो फ्रेंड्स इनको हमने पील ऑफ कर लिया है, ठीक है। और इनका छिलका उतारने के बाद में मैं इनको वॉश करके लाई हूँ और मम्मी इनकी अब कटिंग करेंगी छोटे छोटे अब ये मम्मी ने वो जो इतने बड़े लॉक जो होते ना वो काटे थे ना, अब उनके चार पीसेस कर रही हूँ, चार पीस कर लिए, मतलब जो ये कर पतली ये थोड़ी थोड़ी स्लाइस कट कर लेंगे। तो ये जब सारा कट हो जाएगा ये हम निकालेंगे नहीं, स्वाद ना देखे फ्रेंड। ये मम्मी ने गाजर मुझे अच्छे से कट कर लिया और ये हम इसको रात भर नमक लगा के रखेंगे, क्यों कि जो हमें जल्दी खाना होता तो हम एक घंटे के लिए नमक लगा के रखते थे, और अब ये हमें थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए चलाना तो हम रात भर रखेंगे और बाकी सामान अब सुबह दिखाएंगे। ठीक है, मिर्च भी डाल दी थी इसमें और ये मूली भी, और पूरे एक दिन हमने इसको धूप लगाया है। और अब मसाला तैयार कर रहे हैं अचार में डालने के लिए। 1.5 चम्मच धनिया साबुत और 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच अजवाइन, अच्छा, और 1 चम्मच अमचूर। और मसाला है और थोड़ी सी हींग, बाकी आप इसको भून लेते हैं। और 1/2 चम्मच जीरा। तो देखो फ्रेंड, धनिया, राई और मेथी और क्या, जीरा हमने भून लिया है, और बाकी अजवाइन और अमचूर जो वो ऊपर से डलेंगे। ये हमने भून के मसाला रेडी कर दिया है। ये अजवाइन को हमने थोड़ा सा क्रश करके हाथों से बस ऐसे ही डाल देना है, क्योंकि फ्राई पैन जो क्या है वो अभी भी गर्म है। ऐसे इसको सेट कर लेंगे। और ये हमने डिश वॉश कर लिया, मतलब डिश वॉश के लिए डिश आउट कर लिया हमने ये, ठीक है। और अभी इसको फिर हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में तब हम इसको डालेंगे। हींग अभी नहीं डाली है, ठीक है फ्रेंड्स। मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसको करेंगे हम ग्राइंड मिक्सी में। तो फ्रेंड्स मसाला हमने क्रश कर लिया, मतलब ग्राइंड कर लिया है, और ये थोड़ा ऐसे ही दरदरा ही अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा तेल कर लेते हैं हम फ्राई पैन पे, क्योंकि गरम तेल जब डालते हैं तो इसको हम थोड़े देर बाद, 1-2 घंटे बाद या तुरंत के तुरंत हम खा सकते हैं इस अचार को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इधर हो जाएगा तेल गरम और इधर हम अचार में मिला देते हैं मसाले। फ्रेंड्स जो हमने बनाया था राई और धनिया वनिया ये हमने डाल दिया है अचार में, और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी हो गया, और थोड़ी सी सेकी मिर्च, ठीक, और नमक हम डाल चुके हैं, और ये इसमें अमचूर डालना है। और ज़्यादा खट्टा खाना है तो थोड़ा और बढ़ा। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो फ्रेंड्स ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया, मतलब मिक्स कर चुके हैं, मसाले सब ऐड कर दिए। और अब इधर हो गया हमारा ऑयल गैस ऑफ करने के बाद में, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ठंडा। तो अब हो गया ऑयल थोड़ा सा हमारा ठंडा, और अब हम इस अचार में ऐड कर देंगे इसको। अब ये हो गया हमारा अचार रेडी टू सर्व, मतलब रेडी कर दिया हमने। अब इसको हम सर्व भी कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार भी होता है, पर इंस्टेंट अचार के लिए हम इसको धूप में नहीं लगाते, हम तभी की तभी कर लेते हैं इसमें, बट हमने इसको सुखाया है।
तब हमने इसको बनाया। अभी तैयार हो चुका है हमारा पूरी सब्जी के लिए, छोले भटूरे के लिए, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना सेम उसी तरह से। तो अब हम इस बर्नर में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बच गया था ऑयल, अब हम इसको इसके ऊपर से कर देंगे ताकि और अच्छे से सही से रस के साथ साथ हो जाए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही बढ़िया वाला टेक्सचर आया हमारे घर का। तो फ्रेंड हम तो ऐसे ही बनाते हैं मम्मी, मतलब मेरी, आप कैसे बनाती हो और क्या और अच्छे से ऐड करना था आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे अचार बनाते हो इस तरह से। की देखिए बहुत ही सुंदर अचार बना है और खा के खाने में भी स्वादिष्ट है। ठीक है फ्रेंड्स।